नमस्ते आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राहुल बगिया, एन एक्टर एंड एंकर स्टोरी टेलर, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज कुछ बात करने के लिए आया हूँ पुलवामा में हुए हमारे जवानों पर जो अटैक हुआ उसके बारे में। आज एक्चुअली मेरा वीडियो बनाने का ऐसा कोई मूड है, ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम नहीं था, पर ये जो अटैक हुआ है और अटैक के बाद जो घटनाएं हो रही है, वो जो घटनाएं हम देख रहे हैं उसके बारे में कुछ मैं आज बात करना चाहता हूँ कि हम सबको पता है कि जो रोष एज वेल एज जो गुस्सा हम देशवासियों के मन में है, वैसा ही गुस्सा, वैसा ही भावना, वैसा ही एक बदले की भावना जो है, जो लोग शहीद हुए हैं उन सभी के घर वालों के अंदर भी है। पर ये जो हमला हुआ है पुलवामा के अंदर हमारे सभी शहीदों के ऊपर, आप सभी को पता है कि भाई मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, हम सब के गाँव के अंदर, सभी शहरों के अंदर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये विरोध प्रदर्शन होना ही चाहिए और इसके अलावा पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए, सभी आतंकवादियों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पर एक बात मैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि हाँ भाई, सबसे पहले ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये हमला आप सभी को पता है कि डायरेक्टली वो पाकिस्तान वाले या आतंकवादी वाले जहाँ कहीं पर भी होंगे, डायरेक्टली तो वो भारत में घुस नहीं पाए होंगे। इनके पीछे कहीं ना कहीं ये जो लोग जो हिंदुस्तान के अंदर छुपे हुए हैं, उन सबको सबसे पहले ये सबक मिलना चाहिए, उन सबको हमें सबसे पहले सजा देनी चाहिए। इसके बाद ही मुझे लगता है कि हमें ये विरोध प्रदर्शन, अगर हमें विरोध प्रदर्शन करना है तो अगर हम इस बात का विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले जो हिंदुस्तान के अंदर ये जो गद्दार छुपे हुए हैं उन सभी को सजा मिले, इसके बाद हम पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई कड़ी कार्यवाही एज वेल एज कड़ी इन आतंकवादियों के ऊपर कोई जो है हमारा डिसीजन ले। आप सबको पता है कि पिछले पास्ट में भी कितने सारे ऐसे अटैक हुए हैं, कितनी बार हमारे शहीद जो है जवान वो शहीद हुए हैं, कितनी बार उन लोग सबको अपनी जान गंवानी पड़ी है हमारे लिए, हम सब के लिए। और हम क्या करते हैं, हर बार ये सब दो तीन दिन तक ये विरोध प्रदर्शन चलते हैं, दो तीन दिन तक ये स्ट्राइक्स चलती है, दो तीन दिन तक ये सभी मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स एज वेल एज दुकानें, शहर वो पूरा बंद रहता है। जैसे ही ये इस घटना के 8 दिन निकल जाएंगे, फिर से वो जो माहौल था वैसा ही माहौल क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आज मैं आप सबसे अपील करने आया हूँ कि भाई ये जो हम भावना दिखा रहे हैं वो सही भावना है, पर हम अगर रैली हमें निकालनी है, अगर हमें विरोध प्रदर्शन करना है, तो इस बात का करिए कि सरकार जल्द से जल्द कोई इसके ऊपर निर्णय ले। क्योंकि अगर 8, 10 दिन या 15 दिन इस पूरी घटना के निकल गए, इसके बाद जो खून अभी खोल रहा है हम सब के दिल के अंदर, हम सब के अंदर वो खून वैसा ही खून नहीं खोलेगा। क्योंकि हम सबको पता है कि ईच एंड एवरी इंडियन विल बी बिजी इन देयर लाइफ। 8-10 दिन के बाद सब कोई, हम हर कोई अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने धंधे में जो है वो फिर से जुट जाएगा। तो अगर हमें विरोध प्रदर्शन करना है तो हमें सरकार से यही अपील करनी पड़ेगी कि सबसे पहले जल्द से जल्द इस किसी भी बात का कोई निर्णय ले, इसके सचोट उपाय और इसके सचोट डिसीजन पर आए। और इसके अलावा हमारा भारत के अंदर जो गद्दार छुपे हुए हैं उन सबको सबसे पहले सजा मिले, और इसके बाद दावा कीजिए, वादा कीजिए अपने आप से कि ये जो पूरा खून है, ये खून जो आज खोल रहा है वैसा ही खून अगर 8, 10, 15, 20 दिनों के बाद भी अगर सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया और उन सभी आतंकवादियों को कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी हमारे अंदर वैसा ही खून खोलेगा। और अगर आप सब लोग 10-10 रुपये, 20-20 रुपये जैसे भी आपकी मनोकामना है इन सभी शहीदों को, उनके घर वालों को देना चाहते हैं, तो आप सभी को पता है कि कितनी भी गवर्नमेंट ऑनलाइन साइट्स भी है, पेटीएम ने भी एक इनिशिएटिव लिया है कि अगर आप डायरेक्टली उस सभी के अकाउंट के अंदर वो सब लोग आप पैसा डाल देंगे। तो आप सभी को मेरा ये नम्र निवेदन एज वेल एज आग्रह है कि आपसे जितना भी हो सके, 10 रुपये, 20 रुपये जितना भी हो सकता है, आप कुछ उस पेटीएम ऐप के द्वारा या फिर जो ऑनलाइन साइट्स है उसके द्वारा इन सभी शहीदों के घर वालों के अकाउंट में डालिए, ताकि हमको भी पता है कि वो जो इंसान उन्होंने खोया है वो इंसान तो फिर से वापस नहीं आ सकता। पर अगर हमारे दिए हुए थोड़े से पैसों से अगर उन सब की, उनके बीवी, बच्चा, माता पिता की थोड़ी सी भी अगर कुछ सेवा हो सके, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा बलिदान और इससे बड़ी सेवा हमारे लिए, हमसे, हमारे देश के लिए कोई होगी। तो इसी के साथ ही विदा लेता हूँ, अलविदा करता हूँ, जल्द ही मिलेंगे थोड़ी ही दिनों में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश, एंड बाय द वे ऑलवेज लव इंडिया। थैंक यू वेरी मच, वी विल सी यू सून, टेक केयर।